नमस्कार मित्रों, हमारा एपिसोड चल रहा है एपिसोड नंबर 10, जिसमें हम राशियों के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे राशियों के वर्ण के बारे में। हर राशि का अपना एक वर्ण होता है। वर्ण चार प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी प्रकार से हर प्रत्येक राशि का एक वर्ण होता है। सामने आपके एक चार्ट है जिसमें मेष, सिंह और धनु, इन तीन राशियों का वर्ण क्षत्रिय वर्ण है। वृष, वृश्चिक और मीन, इसका ब्राह्मण वर्ण है। मिथुन, तुला और कुंभ, इसका वैश्य वर्ण है। और कर्क, कन्या और मकर, इसका वर्ण है शूद्र। प्रत्येक राशि का अपना एक वर्ण होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। जब हम कुंडली में देखेंगे तो इसका प्रयोग किस रूप में करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली है, इस कुंडली की हम चलिए बात कर लेते हैं। इस कुंडली में लग्न का स्वामी लग्नेश, लग्नेश मतलब वो व्यक्ति जिसकी की कुंडली देखी जा रही है। लग्न का स्वामी लग्नेश, लग्नेश बुध, बुध कुंभ राशि में, इसमें कुंभ राशि आ रही है वैश्य में। इस इट मीन्स कि इस व्यक्ति का स्वभाव, इसका मतलब हो गया कि इस व्यक्ति का स्वभाव वैश्य के समान होगा, वैश्य के समान होगा, पैसे को अधिक महत्व देगा ये व्यक्ति। ठीक है, दूसरा प्रयोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इस व्यक्ति का, हमने व्यवसाय की बात करी, व्यवसाय का कारक अगेन बुध हो रहा है। बुध इस व्यक्ति की कुंभ राशि में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका व्यवसाय भी जो होगा वो, क्योंकि कुंभ राशि में आ रहा है, वैश्य राशि में आ रहा है। वैश्य राशि अपने आप में व्यापार की कारक होती है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति जैसा इसका स्वभाव है वैसे ही इसका व्यवसाय होगा। इस तरह से अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये व्यक्ति पूर्ण रूप से अर्थ प्रधान व्यक्ति होगा, अर्थ प्रधान, पैसे को अधिक महत्व देने वाला होगा, पैसा अच्छा कमाने वाला होगा। ठीक है ना, इन जनरल अभी एट ए ग्लांस हम बात कर रहे हैं। दूसरा उपयोग क्या हो सकता है कि जैसे कि इसकी इनकम के बारे में हमें जानना है, तो इसकी इनकम का जो स्रोत है, इसका कारक क्या हो गया, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, मिथुन राशि पे। मिथुन राशि कौन सी हो गई इसमें, मिथुन राशि हो गई अगेन वैश्य। इसका मतलब फिर वही बात आ रही है कि देखिए, जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, तो चीज़ें क्लिक करती हैं, वेरी करती हैं। तो अगेन इस स्थिति में भी हम देखते हैं कि इसके जो आय का स्रोत होगा वो भी कहीं ना कहीं धन या वैश्य प्रधान स्रोत बन रहा है। इसका मतलब कि ये व्यक्ति पूरी तरह से अर्थ प्रधान व्यक्ति है, अर्थ प्रधान व्यवसाय है, अर्थ प्रधान इसकी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और भी जब भी हम बात करेंगे इसके पिता के बारे में, इसकी माता जी के बारे में, या कैसे भी अगर हम इसकी कुंडली के व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो इसमें वही नियम आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि व्यक्तित्व अगर हमें देखना है, तो इन जनरल व्यक्तित्व अगर हम देखेंगे, तो मान लीजिए पिता का व्यक्तित्व देखना है, तब भी वो ही होगा ना, इसमें बुध की प्रधानता आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहा है कि पिता वाला व्यवसाय भी ये एक्सेप्ट कर सकता है, या पिता वाले व्यवसाय को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और भी चीज़ों में हम कर सकते हैं। पत्नी के बारे में हम जान सकते हैं। पत्नी का मतलब यह हो गया कि गुरु का मतलब हो गया कि पत्नी भाव का स्वामी स्वराशि पर है। अब मीन राशि यहाँ पर कहाँ पे आती है, मीन राशि इसमें आती है ब्राह्मण। इसका मतलब यह हो गया कि इसकी जो पत्नी भी है, वो उसका जो व्यक्तित्व होगा, उसके जो आचरण होंगे, उसके जो नेचर होंगे, वो ब्राह्मणत्व के गुण वाले होंगे। तो सदाचारी पत्नी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं इसका। जैसे जैसे प्रेडिक्शंस आएंगे, वैसे वैसे हम इसका उपयोग करना सीख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रेडिक्शंस के टाइम पे हम इन सभी सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। जनरली क्या होता है कि लोग उपयोग नहीं करते हैं इनका, एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना, इसको जितना आप फॉलो करते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके प्रेडिक्शंस में एक्यूरेसी आती चली जाएगी। प्रेडिक्शंस में माइन्यूट प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि इन सिद्धांतों को आप हमेशा ध्यान रखें। जो
पुराने भी एस्ट्रोलॉजर हैं या परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, वो भी इन सिद्धांतों को, उनको मौका है कि वो रिसाइकलिंग कर लें, जिससे कि जब नेक्स्ट प्रडिक्शन करें तो उसमें थोड़ा सा सरलता रहे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राशियों के रंग की। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है सिद्धांतों की। अभी हम राशियों के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, फिर हम ग्रहों के और भावों के सिद्धांत की बात करेंगे। तो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको करके रखना चाहिए, क्योंकि लगातार आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी आगे। ठीक है, अगला एपिसोड हमारा होगा ग्रहों के रंग का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।